बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन किप्स कॉलेज कसूर। मोहम्मद अवैस अंसारी, योर मैथ्स टीचर विद आवर सेकंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट वन। हम लोग चैप्टर वन स्टार्ट किया हुआ था हमने, और चैप्टर वन में जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताई नंबर सिस्टम की, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई। फिर मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके फिर आगे बताया कि कैसे नंबर्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर्स। रियल और इमेजिनरी नंबर्स को फिर आगे हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल और इरैशनल। रैशनल और इरैशनल नंबर्स की मैंने डेफिनेशंस बताई आपको, और आज हम लोग उसकी मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को। मैं बताऊँगा कि कैसे किसी भी डेसिमल नंबर, यानी जो नंबर हमारे पास पॉइंट में आ जाता है, इशारिया में लिखा जाता है, कैसे हम लोग उस पॉइंट वाले नंबर को पहचान सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि वो रैशनल है या इरैशनल नंबर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक भी यही है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को पहचानना, यानी पॉइंट वाले नंबर को, इशारिया वाले नंबर की पहचान करना कि वो रैशनल कब होता है और इरैशनल कब होता है। वैसे तो डेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं हमारे पास, जिनको हम लोग रैशनल और इरैशनल के लिहाज से डिस्क्राइब करते हैं। उसमें सबसे पहली आप लोगों के पास जो टाइप आती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद जो सेकंड टाइप का बेटा हमारे पास, वो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, और उसके बाद थर्ड हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। आज हम लोग इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे, और इन तीनों को डिस्कस करके ही आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इरैशनल होते हैं। मैं अपनी इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि इन्हीं तीन डेसिमल टाइप्स की एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। इसमें अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास एक नंबर है 2.09, 1.69, 3.2965। बेटा ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो कि पॉइंट के बाद, यानी जिनके डेसिमल पार्ट में लिमिटेड नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद लिमिटेड हैं, अब तो सामान चलते नहीं जा रहे हैं नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास लिमिटेड हैं। ये जो तीन के तीन नंबर्स हैं, ये तीन के तीन नंबर्स लिमिटेड हैं, यानी ये पॉइंट के बाद जितने मर्जी आप लोग लंबा नंबर पे लिख लें, लेकिन आखिर जाके ये नंबर रुक जाता है किसी न किसी पॉइंट पे। उसके बाद सेकेंड टाइप, ये तीन नंबर अलग से तीन एक और टाइप के हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये नंबर है 5.12, 1212, 1212। यानी अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये नंबर अपनी इसी अरेंजमेंट के बाद रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, लेकिन नंबर वही बार बार लिखा जा रहा है। जैसे 12 है, बाद में फिर 12 है, फिर से 12 है, और अप टू 100 ये चलते जा रहे हैं, अप टू 100 चलते जा रहे हैं। तो इसमें ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड नंबर्स है, यानी इनफाइनाइट नंबर्स। इन नंबर्स को अगर मैं लिमिटेड फॉर्म में लिखना चाहूं तो 6.12 के ऊपर मैं एक छोटा सा बार लगा के इनको स्टॉप करके लिख देता हूं। बार खत्म करेंगे ये फिर से इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। सिमिलरली अगले नंबर पे आ जाए तो बेटा देखें 6.9, फिर से 9, फिर से 9, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी नंबर क्या है, अनलिमिटेड जो है इसका डेसिमल पार्ट में अनलिमिटेड टाइम तक 9 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, जिसको 6.9 और 9 के ऊपर एक नंबर पॉइंट लगा सकते हैं या फिर बार लगा देते हैं। सिमिलरली उसके बाद मैं अगले नंबर पे आऊं तो बेटा 3.12345, यानी ये अपनी एक अरेंजमेंट इतनी रख रहा है, अपनी इतनी अरेंजमेंट के बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 5, ये फिर उन्हीं नंबर्स को दोबारा रिपीट कर रहा है, एंड सो ऑन। ये नंबर फिर से वैसे ही
मूव करता जा रहा है, चलता जा रहा है, जो कि बार लगा कर मैं लिखूं तो 3, 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी के ऊपर बार आ जाएगा, या सभी नंबर्स के ऊपर आप एक छोटा छोटा डॉट लगा दें जो कि इसी चीज को शो करता है। अब थर्ड टाइप में हम, तो थर्ड टाइप में मेरे पास ये भी वही नंबर है, अप टू सो चलते जा रहे हैं, ये भी वही नंबर है जो कि लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आप देख सकते हैं 1.692345611 एंड सो ऑन, ये नंबर मूव करता जा रहा है, अनलिमिटेड नंबर है, लिमिटेड नंबर नहीं है ये हमारे पास। अगर ये लिमिटेड नहीं है तो इट्स मीन ये भी इन्हीं की टाइप्स में से है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। ये चीज आप लोगों को यहां पे पहचान करनी पड़ेगी इन दोनों में कि ये भी अनलिमिटेड नंबर्स हैं और इसका डेसिमल पार्ट भी अनलिमिटेड है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, उसमें खास अरेंजमेंट है बेटा, एक अरेंजमेंट है, अपनी उस अरेंजमेंट को मुकम्मल करने के बाद वो नंबर फिर से रिपीट होता है, लेकिन इनमें किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना इनमें कहीं भी कोई रेपिटेशन पाया जा रही है कि नंबर दोबारा रिपीट हो, इन दोनों में ये फर्क है। तो ये तीन टाइप्स अगर हैं कौन कौन से थे, तो बेटा सबसे पहले टाइप पे दोबारा वापस आऊं तो ये वो वाली टाइप है जिसमें हमारे पास नंबर लिमिटेड हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाते हैं आप लोग। सेकेंडली अनलिमिटेड नंबर्स हैं लेकिन अरेंजमेंट के बाद रेपिटेशन है तो रिकरिंग डेसिमल्स में आ जाते हैं, और ये जो थर्ड टाइप है जो कि अनलिमिटेड टाइम तक डेसिमल पार्ट में नंबर्स मूव तो करते हैं लेकिन ना तो अरेंजमेंट है और ना ही रेपिटेशन है, तो ये नंबर्स ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना रिकरिंग होते हैं, इन्हें हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के नाम से जानते हैं। ये इन तीनों को समझाने के लिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी थी। अब आते हैं हम लोग इनकी डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के सामने बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन आएगी। तो जैसा कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि एक ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में लिमिटेड नंबर्स होते हैं, यानी फाइनाइट नंबर्स हैं, तो यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि अ डेसिमल व्हिच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी एक ऐसा डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट में यानी पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स हैं, फाइनाइट नंबर्स हैं, इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैंने लिखी हुई है, 2.09 है, 11.12, 3.96, ठीक है। और बेटा एक और बात कि हर वो नंबर जिसका डेसिमल पार्ट लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता हर वो नंबर, ये बड़े काम की बात है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आप लोग के ई कैट में और जो भी एंट्री टेस्ट आप लोग देंगे उसमें आप लोग को ये पॉइंट बड़ा काम देगा कि हर वो नंबर जिसका डेसिमल पार्ट लिमिटेड होता है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, वो एक रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नहीं होता, नाटक होता है, गैर नाटक नहीं होता। इट्स मीन ये जो फर्स्ट टाइप है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की है, तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, फिर एक रैशनल नंबर बनाता है, इरेशनल नंबर नहीं बनाता। मैंने लिख भी दिया है एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली फिर मैं आता हूं अपनी दूसरी टाइप पे जो कि रिकरिंग डेसिमल्स की है। तो बेटा यहां पर भी बात सुनने वाली है कि नंबर अनलिमिटेड यानी डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो अनलिमिटेड टाइम तक मूव कर रहे हैं, उनमें एक अरेंजमेंट है और वो अपने अरेंजमेंट कंप्लीट करने के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यानी इनमें रेपिटेशन है, अरेंजमेंट है, लेकिन अप टू सो ऑन ये मूव करते जा रहे हैं, तो ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। हर रिकरिंग डेसिमल भी एक रैशनल नंबर बनाता है, जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स बनाते हैं। इट्स मीन जो रिकरिंग डेसिमल है वो भी एक रैशनल नंबर ही जनरेट करेगा। रिकरिंग डेसिमल की डेफिनेशन है अ डेसिमल व्हिच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नंबर्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच रिपीटेड इनफाइनाइटली, जो के अनलिमिटेड टाइम तक ही मूव करते जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं,
इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स, वो रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं और साथ में मैंने ये मेंशन भी कर दिया है कि एवरी रिकरिंग डेसिमल्स इज अ रैशनल नंबर। बात आती है फिर इरैशनल नंबर्स कौन से हैं। इरैशनल नंबर्स बेटा हमारे पास ये थर्ड टाइप आ जाती है जो ना के रिकरिंग है अब ना ही टर्मिनेटिंग है, जिनमें पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पार्ट में ना तो लिमिटेड नंबर्स हैं और अगर अनलिमिटेड हैं तो ना तो उनमें कोई अरेंजमेंट है और ना ही रेपिटेशन है। ये नंबर्स जो होते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये सारे के सारे नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं। इसकी मजीद एग्जांपल्स आप लोगों को आपके बुक में मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।